हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपांश युवंश। आज मैं मेरे भाई को लेके जा रहा हूँ मेरा यूनिवर्सिटी दिखाने। और मैं जा रहता था जिसका नाम है रावंसबुक सिटी में मैं रहता था, और कॉलेज था वाइन गार्डन में। तो आज पूरा वो घूमने वाले हम लोग, तो आपको भी दिखाऊँगा। तो मज़े लेते हैं आज। तो मौसम में कितना अच्छा है यार। हम बैठ चुके हैं खाने डोनर। यहाँ की ट्रेन बहुत साइलेंट है। पहली बार ला सकते हैं। देखो ये ऐसे है यार, ये चलता चलता कर टेम्पो है ये। ला सकते तुम लोग। आगे पूरा कैबिन है यार, देख वहाँ पे साइकिलें रखने का पूरा कैबिन है। एक पब्लिक कभी नहीं होता है ट्रेन में, खाली होती है ट्रेन। जैसे बूस्टर लगाओ ना पीछे, जैसे नाइट्रोजन छोड़ रहे हैं पीछे, ऐसे जैसे तेज हो रहे हो। खींची 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 खींची। ये फ्लू गाफन है, मैं यहाँ पे लैंड हुआ था। यहाँ से RW रावंसबुक बहुत पास पे हैं, करीब 5-10 मिनट लगते हैं ट्रेन से, तो इसलिए मैं यहाँ लैंड हुआ था। स्टेशन से बाहर आए, यहाँ पर बस स्टॉप है पूरा। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे वाइन गार्डन। प्लेटफॉर्म एक से हमेशा मिलती है बस वाइन गार्डन की, तो वही लेंगे हम। फिर आपको आगे वाइन गार्डन के बस में रावंसबुक से सीधा यहाँ पे वाइन गार्डन पोर्ट से मार्क नंबर 1 है। टर्की स्टोर है यहाँ पे एलेपो मार्क करके। यहाँ पे आपको अपना थोड़ा एशियन सामान मिल जाएगा। यस आई कैन ट्राई। लड़के बता पहले, चैलेंज है तेरे को। आपसे ना हो पाएगा, चले लेट्स गो। तो ये चैलेंज हारते हुए महावीर गुज्जर पहली बार जर्मनी में आया, कुछ चैलेंज दिया और इनसे नहीं लग रहा है चैलेंज हार के। कहीं तेरे को अब अच्छी चीज दिखाता हूँ, आजा। ये स्ट्रेट सामने बिल्डिंग दिख रही है स्ट्रेट, वो हमारी थी लाइब्रेरी है, मतलब ठीक है। वहाँ लाइब्रेरी में जाके मैं पढ़ता था, बहुत अच्छी अंदर से बहुत बड़ी लाइब्रेरी। लाइक स्मॉल लेक, हर जगह साइड में चेयर्स हैं, आप बैठ के आप मस्त टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह मजे है। ये स्ट्रोन डोम्स है, मतलब सीजाइड का वाइन गार्डन का स्ट्रोन डोम। ओके, इसका नाम है लाजरेट स्ट्रासे। देखिए लाजरेट स्ट्रासे सीजाइड, ये देख लो भाई, ये रहा सीजाइड लाजरेट स्ट्रासे। तो यहाँ से होता है स्टार्ट। आप यहाँ पे पूरा मैप देख सकते हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग वहाँ पे है। इतनी बिल्डिंग है, अलग अलग स्ट्रीट में है सारी, आपको उस हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। पहले 2 दिन लगता है खाली, उसके बाद तो सभी याद हो जाता है। another one showed you room. Yes, yes. Did you understand? Actually, I speak in my language. Yeah, I put subtitles on it. Oh, nice. Thank you. It was so nice. Yes. Thank you. Yeah. Okay. Nice to meet you. Yeah. Yeah. Thank you. ओह ब्रो, आर यू यूट्यूबर? वाओ फेमस। सारे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारे मैं हिंदी में वीडियोस बनाता हूं। या मैंने उसको वही पूछा कि तू मेरे वीडियो के देखता है, बोला कि ट्रांसलेट मतलब वो नीचे सबटाइटल्स ऑन करके। अच्छा फील हो रहा है। किसी के तो काम आ रहे हैं। यस अच्छा। ये हमारा है इंटरनेशनल ऑफिस, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पी बिल्डिंग है, इंटरनेशनल बिल्डिंग। यहाँ पे आगे आपको कोई भी ऐप चाहिए लोग प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ बताते हैं। मैं आपको अभी अंदर से तो कुछ नहीं दिखा सकता, बिकॉज आज सैटरडे का दिन है, यहाँ सैटरडे संडे सब क्लोज रहता है। और जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, फ्राइडे तक मैं बिज़ी रहता हूँ, तो मैं
चालू दिन में तो नहीं आ सकता, बट हाँ मैं आपको बाहर से पूरा व्यू दिखाऊंगा। आई होप अगर आप RW में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा पहले से। तो ये हमारा सीजाइड का मेस है जो स्टूडेंट के लिए सही है, बहुत अच्छा है। यहाँ आप आके अपना लंच कर सकते हैं अगर आपको खाना बनाने में प्रॉब्लम हो तो। ओके देखिए टॉगेनेट क्लास है, फिर भी इसका एड्रेस है। थोड़ी थोड़ी देर में बोर्ड लगे हुए हैं या किस बिल्डिंग में जाना है, कहाँ जा सकते हो। ओके हाँ वो रहा, ताकि कोई नया आए तो उसको दिक्कत ना आए। या हाँ ये रहा बोर्ड, फर्स्ट एरो स्ट्रेट, अगर ABCD में जाना है तो सीधा जाओ, KLD में जाना है तो इधर जाओ। पूरा डायरेक्शंस के साथ दिया हुआ है तो अच्छे से पूरा फैला हुआ है जगह, आपको मज़ा आएगा। आपका डेली एक्सरसाइज होना है यहाँ पर, बस स्टॉप है, एक बस यहाँ से निकलती है। अच्छा वो चार्जर है दीपांशु गाड़ी का, इलेक्ट्रिक कार चार्जर, ये एच बिल्डिंग है। ओके तो कोई भी कंपनीज आती है यहाँ पे, फेयर होता है सब इधर ही होता है एच बिल्डिंग में, फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे काम यहाँ पे है, तो लैब है। मैं यहाँ पे बैठ के जर्मन की क्लासेस भी भरा हूँ इसी बिल्डिंग में। ओके कोई सेमिनार्स होते हैं तो यहाँ बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ पे होता है, रूम में जो आपको सब ज्ञान दिया जाता है आने के बाद वो सब इधर ही होगा। ओके मेन बिल्डिंग यही है, अब ये भी बंद ही है तो अंदर से तो मैं दिखा नहीं सकता, तो चलते दूसरी बिल्डिंग की तरफ। बिल्डिंग का दूसरा गेट वहाँ से है, और यहाँ पे सारा स्पोर्ट्स का भी है, स्विमिंग पूल है यहाँ पे, टेनिस बैडमिंटन खेल सकते हो, बैडमिंटन कोर्ट भी है। ओके और यहाँ का स्विमिंग पूल स्पेशल है, पता है सर्दियों में भी आ सकते हो, पानी हीटिंग का सिस्टम है, स्विमिंग पूल की हाइट भी चेंज होती है तो उसके हिसाब से चेंज करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्विमिंग के लिए आप आइए, यहाँ पे ट्रेनर भी रहते हैं, सिखाते भी हैं। और दिस इज वेरी गुड, दिस इज रिस्टिश गुड। एच बिल्डिंग के जस्ट बाहर यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ से आप डायरेक्ट बस पकड़ के वापस रामसबुर्ग की तरफ जा सकते हैं। वो वाला बिल्डिंग है जहाँ पे सब स्पोर्ट्स होता है। अच्छा वो वाला, ये जो सामने है ना। ओके ओके ओके, यहाँ पे स्पोर्ट्स का है सब, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैं पढ़ता था तब ये बिल्डिंग भी बन रहा था। ओके अब रेडी है पूरा। या ये बी बिल्डिंग है, इसमें मैंने अपना साइंटिफिक प्रोजेक्ट, मास्टर थीसिस सब यहाँ से यहाँ पे करता था, मतलब मेरा प्रोफेसर की सिटिंग यहाँ पे थी। तो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो शायद देखा हो जिसमें मैंने रोबोट दिखाया था, वो मुझे यहीं से मिला था। सबसे बढ़िया ये है जो हर जगह बोर्ड लगाए हुए हैं, मतलब वो आपको हर जगह मिलेंगे, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो ये होगी बी बिल्डिंग, वो सामने है सी बिल्डिंग, और यहाँ है डी बिल्डिंग। ओके तो ये डी बिल्डिंग में तो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम ही दिया, यहाँ पे तो मैं कभी पढ़ने नहीं आया था। बी बिल्डिंग में यहाँ पे मैं पढ़ने आता था, यहाँ पे मोस्टली जर्मन के क्लास हुए थे मेरे, और जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट वो यहाँ पे हुआ। ओके यही लोकेशन यहाँ पे विंटर्स में स्नो में एक अलग लुक होता है, हेवन हेवन, जिसके मैंने फोटोज डाल रखे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे अलग दूसरा एक अकाउंट है जिसका नाम है ट्रैवल व्लॉग डायरीज, उस पर मैंने स्नो के फोटोज डाल रखे हैं। अगर इंटरेस्ट है ये सब देखने का तो वो पेज चेक करिए, मैं नीचे सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये मेरे पेज का नाम है, जरूर जाइए। यहाँ पे कौन सा LKT यहाँ पे देखिए लिखा, हॉक्शुले के बाउरे LKT, तो यहाँ से है। पार्किंग एरिया आपको हर जगह मिलेगा, आपके पास गाड़ी है तो आप आराम से यहाँ पे आगे लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, फ्री है सब। मोस्टली हम इस गार्डन में बैठा करते थे क्योंकि यहाँ तीन बिल्डिंग एक साथ हैं, तो लेक्चर जैसे यहाँ पे शिफ्ट होते थे यहाँ बीच में हम बैठ जाते थे इस गार्डन में। तो यहाँ से ये टी बिल्डिंग का एंट्रेंस है, ये वाला टी बिल्डिंग है, ये वाला के बिल्डिंग है, और ये वाला एल बिल्डिंग है। फ्रेंड्स यहाँ पे हर बिल्डिंग के दो दो दरवाजे हैं, तो आप जो भी साइड से जाएंगे आपको इजीली होगा। अभी ये देखिए ये रोड से हम आगे गए थे एच बिल्डिंग की तरफ, इस डायरेक्शन में के बिल्डिंग ये सब का है, हम घूम के वापस इधर ही आ गए हैं। अब हम इस तरफ जाएंगे
इस तरफ स्टूडेंट वो नाइन है, यहाँ भी आई थिंक बिल्डिंग का काम होने वाला है ना। यस ब्रो, यहाँ पे जब मैं था तब ये था पॉइगन बॉल स्टूडेंट वो नाइन, जो कि अब पूरा तोड़ दिया गया। ये पहुँच चुके ब्रियाक्स रास्ते पे, जो कि वही है जो हम सीधा जाएंगे तो एच बिल्डिंग है। हम अभी वहाँ से के और एल बिल्डिंग देख के आए हैं, वो बस वहाँ से घूम के ऐसे आ गए। ये सब आसपास ही है तो थोड़ा घूमना पड़ता है। ऐसा लगता है दीपन से तुमने आई थिंक 3-4 किलोमीटर चला लिया आज, वॉकिंग करा दिया। क्योंकि हम पूरा घूमे ना, यही अगर आप यहाँ रह रहे हैं दरिया में या फिर वो जो मैंने पहले लाजेट शाह से दिखाया तो सबके तो पास ही है। आप सुबह उठो, ब्रश करो, आ जाओ सीधा, नहाने धोने की क्या जरूरत है, लेक्चर पढ़ो, वापस चले जाओ घर पे, टेंथ घर पे खाओ। वाइन गार्डन में मुझे ये सबसे चीज़ अच्छी लगती है। तो घर आपका पास में है तो देखिए लिखा हुआ है Y0 से, इधर पूरा इसका पार्किंग है। ये ब्रियाज क्लासिक 10 है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कौन आप लोग अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो मोस्टली इसमें ही मिलेगा आपको। दूसरा सामने एक और है ब्रियाज क्लासिक 2, उसमें मोस्टली ये लोग इंटरनेशनल लोगों को देते हैं, मतलब इंडियंस को मैंने बहुत कम सुना है वहाँ मिलता है। हाँ, बाकी सबको मिलता है दूसरे नेशनलिटीज को, वो वाले में। एक ये जगह है जो प्रयाग है, इसमें पार्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो आपको यहाँ मिल रहा है तो आपकी लाइफ चिल होगी, बाकी तो डिपेंड करता है आसपास के संगतियों पे, लोग कहते हैं। तो अभी हम जिस गार्डन से निकले थे शुरू में, याद है? हाँ। इंटरनेशनल ऑफिस, तो यही है गार्डन। अच्छा, तो सामने वो आ गया वापस ईस्ट साइड का लाजर स्ट्रास से, ये दूसरा वो है वाइजर ओसे का ब्रियाक्स ट्रासे 2। तो इधर पे ये होता है ख़त्म, तो हम वापस यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से भी वही रास्ता आएगा, दोनों सेम ही पड़ता है। कहाँ से जाना था यहाँ से? यहीं से चलते हैं गार्डन्स। अब मैं आपको दूसरे वे से लेके जाऊँगा, हम लोग पहले इस वे से आए थे, अब हम इस यहाँ इस वाले वे से जाएंगे जो जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साइकिल से अगर आना हो स्टूडेंट्स को तो क्या वाट लगता है। ये व्यू है व्हीकल से, अगर आप साइकिल से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, तो ये फुल खड़ी चढ़ाई है जिसमें देख सकते हैं गाड़ी कैसे नीचे से आई। देखो नीचे जाते तो साइकिल पे बहुत मजा आएगा और ऊपर आते वाट लग जानी है। लोकेशन आ गया है बेसिलिका, वहाँ ऊपर हमने व्यू दिखाया था, देखिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया, हम लोग अच्छा ये सीढ़ियाँ दिखा रहा था तो नीचे उतरने के लिए। अभी हम नीचे से जा सकते हैं ना वैसे? हाँ, हम ऊपर नहीं जा रहा, हम यहाँ से दूसरा वे भी है, हम वहाँ से निकलेंगे। ओके, कोफिया रास्ता है यहाँ पे, देखो ये रहा। ओ यहाँ कोफिया रास्ता है, कोफिया सीढ़ियाँ हैं, सीधा हमें बस स्टॉप पे ले जाती है। ये इसको बोलते हैं 2.5 साल का एक्सपीरियंस। एक और भी सिस्टम है, आप नए नए आते हो तो बॉडी प्रोग्राम करके रहता है यूनिवर्सिटी, जो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं उनका आपसे कॉन्टेक्ट करवा देते हैं, आप उनसे सब गाइड ले सकते हो। ये यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है बॉडी स्टूडेंट बॉडी प्रोग्राम। वापस वहीं आ गए जहाँ बस से उतरे थे, यहाँ से वापस जाएंगे। ये था हमारा पूरा हॉस्टल रामसबुक वाइन गार्डन, आई होप आपको पसंद आया होगा। आया तो आइए यहाँ पे पढ़ने, आपको भी मज़ा आएगा, और नहीं आया तो दूसरा ढूंढ सकते हैं। दोस्तों यहाँ होता है हमारा आज RW का टूर पूरा ख़त्म। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जरूर करना भाई, जरूर करना। और हम मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो। कमेंट में बता दिया करो कैसा लगा, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, जो भी हो, मतलब जो भी है बता देने का। नीचे बताओगे तो हम आगे अच्छे से बनाएंगे वीडियो, तो कमेंट करो अच्छे से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू गाइस। Thank you.